Now, having solved this question related to the Kirchhoff stuff. देखो इस question में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें करना है हमें यहाँ पे क्लोज लूप देना है, ठीक है ना। वो जो भी आप क्लोज लूप लोगे उस क्लोज लूप का नाम जरूर मेंशन कर देना, दिस इज ए बी सी डी ए। तो आप जो भी यहाँ पे क्लोज लूप ले रहे हो उस क्लोज लूप का नाम लिख देना, दिस इज ए बी सी डी एंड ए। अब देखो तो जब यहाँ तुमने लूप ले लिया तो देखो लूप का डायरेक्शन जो होगा वो या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो तो जब यहाँ पे तुम्हें लूप मिल गया तो अब तुमको सारे ब्रांच में क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इस ब्रांच ए बी में भी करंट निकालना है, ब्रांच सी डी में भी करंट निकालना है, ब्रांच सी बी में भी करंट निकालना है, मतलब जितने भी ब्रांच है ब्रांच बी डी हो इसमें भी तुम्हें करंट निकालना है। तो इन सारे ब्रांच में तुम्हें क्या निकालना है, करंट। तो देखो करंट निकालने के लिए तुमको सारे ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन सारे ब्रांच में करंट निकालने के लिए करंट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो जरा ये बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास कितने सेल, हाउ मेनी सेल्स, दो सेल है, पहला 5 वोल्ट और दूसरा कितना है 4 वोल्ट। तो जरा ये बताओ करंट जो होगा वो हाई ईएमएफ वाले सेल का होगा, यस ना। तो इसका मतलब करंट हम किस वाले सेल से एज्यूम करेंगे, हाई वोल्ट वाले से। सपोज मान लो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकल रहा है आई, ये चीज क्लियर है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 5 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकल रहा है, आई निकल रहा है। तो जरा बताओ जब ये आई करंट इस जंक्शन पे आता है तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन। यहाँ पर टोटल कितने ब्रांच है, इस पॉइंट से अटैच कितने ब्रांच है, 3, पहला दूसरा और तीसरा। तो ये टोटल कितने ब्रांच से कनेक्टेड है, 3, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। तो जरा बताओ जब ये इनपुट करंट यहाँ पे आएगा तो अब ये इनपुट करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, इसमें से कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। तो मान लो इस वाले ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, I1। तो जरा बताओ अगर इसमें I1 जा रहा है तो इस वाले ब्रांच में निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल करंट में से I1 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, I-I1, ये चीज क्लियर है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे I2 भी ले सकते हो, लेकिन देखो I2 लेने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ना कि अननोन क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो अननोन क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो इक्वेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉल्व करने में मतलब काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जितने कम अननोन क्वांटिटी होता है इक्वेशन को सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस वाले में अननोन क्वांटिटी मैंने क्या लिया है, आई, और इसमें मैंने क्या लिया है, I1। तो इस वाले ब्रांच में क्या होगा, I-I1 होगा, व्हिच इज क्लियर। तो बताओ इस पॉइंट पे ये क्या है, इनपुट करंट, और इस पॉइंट पे ये दोनों क्या है, आउटपुट करंट, क्योंकि ये जंक्शन के नजदीक आ रहा है और ये दोनों जंक्शन से दूर जा रहा है, इज इट क्लियर। तो इस वाले ब्रांच में करंट क्या है, आई, बताओ इस वाले ब्रांच में क्या है, I1, इस वाले ब्रांच में क्या है, I-I1। अब जब बताओ I-I1 जब सी पे जाएगा तो बताओ क्या यहां पे करंट डिवाइड होगा, नहीं ना। तो यही सेम करंट इधर भी चला जाएगा, हाउ मच, I-I1, क्योंकि यहाँ करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब जरा बताओ ये I-I1 कहाँ पे जाएगा, डी पे जाएगा। तो बताओ जब ये डी पे जाएगा तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I-I1, और यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस I1। तो ये प्लस I1 और माइनस I1 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, I बचेगा और ये I किधर चला जाएगा, इन दिस ब्रांच, इज इट क्लियर। कोई कंफ्यूजन मैं बता देता हूँ। तो इस वाले ब्रांच से एक बार फिर सुन लो, इस जंक्शन पे बताओ इस पॉइंट को जंक्शन बोल रहे हैं, क्यों जंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल कितने ब्रांच हैं, 3 है, एक ये वाला ब्रांच है, एक ये वाला ब्रांच है और एक ये वाला ब्रांच है। तो इस वाले ब्रांच से इनपुट करंट कितना आ रहा है, I-I1, इस वाले ब्रांच से कितना आ रहा है, I1। तो बताओ ये वाला करंट और ये वाला करंट इस जंक्शन पे आके ऐड होगा, तो जब ऐड होगा तो प्लस I1 माइनस I1 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचेगा, I, तो I इधर जाएगा, इन दिस ब्रांच, इज इट क्लियर। तो बताओ सारे ब्रांच में करंट पता चल गया ना। तो ये ध्यान रखना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग करंट को सारे ब्रांच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है,
और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है हमेशा उसी सेल को कंसीडर किया जाता है। लेकिन देखो होता क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम तुमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है, बोर्ड के एग्जाम में दिया रहता है। हम तुमको इसलिए बता दिए कि सपोज मान लो अगर नहीं दिया तो तुमको करंट को खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज 99% चांस है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, ये I और I1 निकालना है। तो बताओ I और I1 निकालने के लिए कितने इक्वेशन बनाने होंगे, दो इक्वेशन बनाना होगा और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करना। ध्यान रखना किरचॉफ्स लॉ में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला आपको क्या करना है इक्वेशन बनाना है और फिर क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरा ध्यान से सुना, सुनो मेरे पास ध्यान से, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, सुन लो, आपको सबसे पहले क्या बनाना है इक्वेशन, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है आपको देखो। तो जरा ये बताओ इस डायग्राम को देख के बताओ तुम्हारे पास कितने लूप्स हैं, हाउ मेनी लूप्स, तीन है। पहला लूप क्या है ए बी डी ए, दूसरा लूप क्या है बी सी डी बी, और तीसरा देखो एक बड़ा वाला लूप भी है ए बी सी डी ए। तो तुम्हारे पास कितने लूप हैं, तीन है, लेकिन हमको लेना कितना केवल दो ही लूप लेना है, समझ में आया। तो आपको जो लूप आसान लगेगा जिसमें इक्वेशन को बनाना सॉल्व होता है आसान होता है और इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होता है हम लोग हमेशा उसी लूप को लेते हैं। अगर तुमको लग रहा है कि कोई लूप अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस लूप को मत लेना, ठीक है, तो इक्वेशन तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नाउ सपोज वी टेकिंग दिस लूप ए बी डी ए, मान लो हम यहाँ पे लूप क्या दे रहे हैं ए बी डी ए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लूप क्या दिया है ए बी डी ए, और ध्यान सुनो आप जो भी लूप ले रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिख देना, आप जो भी लूप कंसीडर कर रहे हो उसका नाम, उस लूप का नाम यहाँ पे लिख देना। मैंने क्या लूप दिया ए बी डी ए, देखो मैंने यहाँ लिख दिया लूप ए बी डी ए, समझ में आया। और जरा बताओ ये जो लूप है क्लॉक क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, ए से बी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, डी से ए जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यस ना, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, इज इट क्लियर, हां सब समझ में आ गया। अब देखो अब हमको इक्वेशन बनाने के लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है, लूप्स लॉ, वी आर यूजिंग द लूप्स लॉ। तो बताओ लूप्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, वोल्टेज और ईएमएफ, वोल्टेज और ईएमएफ का सम कितना होता है जीरो, यस, वोल्टेज और ईएमएफ का सम कितना होता है जीरो। तो जरा बताओ तो जब तुम ए से बी जा रहे हो लूप का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ध्यान रखना हमेशा लूप का डायरेक्शन देखा जाता है, वी ऑलवेज टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ लूप। तो बताओ लूप का डायरेक्शन क्या है ए टू बी, तो बताओ जब तुम ए से बी जा रहे हो तो बताओ तुम किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो ना भाई, जब तुम ए से बी जा रहे हो तो तुम किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव से निकल रहे हो। अगर तुम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो तो इसका ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सर ईएमएफ इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो ना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ में आया। तो हम लोग यहां पे ईएमएफ क्या लेंगे, +5, ईएमएफ क्या लेंगे +5, क्यों, क्योंकि लूप का डायरेक्शन इधर है फ्रॉम ए टू बी, तो तुम जब ए से बी जा रहे हो तो किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, तो ईएमएफ क्या लेंगे +5, इज इट क्लियर, बता दो कोई कंफ्यूजन हो तो, ईएमएफ को +5 क्यों ले रहा है, ठीक है ना, यस। तो जरा बताओ ए से बी हो गया आप किधर जाएंगे, फ्रॉम बी टू बी, यस। तो जरा बताओ जब तुम बी से डी की तरफ जा रहे हो, इधर जब तुम बी से डी की तरफ जा रहे हो तो बताओ लूप का डायरेक्शन क्या है, बी टू डी, और बताओ करंट का भी डायरेक्शन क्या है, बी टू डी। तो लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस पॉइंट नंबर 3 मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, तो साइन कन्वेंशन में मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि लूप और करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वोल्टेज को माइनस में लेते हैं, वोल्टेज को माइनस में लेते हैं,
समझ में आया? बताओ यहाँ पे वोल्टेज, बताओ करंट कितना दिया हुआ है? I1। करंट कितना दिया हुआ है? I1। और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20। तो बताओ वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना हो जाएगा? माइनस 20। माइनस 20 I1। माइनस 20 I1। समझ में आया? तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? माइनस 20 I1। ओके नाउ आई विल कंटिन्यू अगेन। तो जरा ये बताओ ए से बी हो गया, जब हम ए से बी जा रहा है तो यहाँ ईएमएफ कितना है? प्लस 5। अब बताओ बी से डी जा रहा है तो लूप का डायरेक्शन क्या है? बी टू डी। अब करंट का भी डायरेक्शन क्या है? बी टू डी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? माइनस का होगा। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 20 आई वन। बी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो करंट क्या लेंगे? आई वन। रेसिस्टेंस कितना लेंगे? 20। तो कितना आ गया? माइनस 20 आई वन। समझ में आया? अब जरा बताओ अब लूप किधर जा रहा है? फ्रॉम डी टू ए। तो बताओ जब तुम डी टू ए जा रहा है तो लूप का डायरेक्शन है डी टू ए। और बताओ करंट का भी डायरेक्शन क्या है? करंट का भी डायरेक्शन क्या है? डी टू ए। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहां वोल्टेज क्या होगा? प्लस माइनस? माइनस। माइनस होगा ना। बताओ ये माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 200 आई। अब बताओ पूरा ए सर्कल कंप्लीट हो गया? ए से स्टार्ट हुआ था, ए भी कंप्लीट हो गया। अब बताओ इस पूरे वोल्टेज और ईएमएफ का सम कितना होगा? जीरो। अकॉर्डिंग टू द लूप्स लॉ वोल्टेज और ईएमएफ का सम कितना होता है? जीरो। अब इसको सिंपलीफाई करो। तो बताओ जब तुम सिंपलीफाई करोगे तो माइनस 20 आई वन और माइनस 200 आई कितना हो जाएगा? माइनस 5। या बताओ माइनस यहाँ से माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। यस। बताओ माइनस 5 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा? 4 आई वन। और बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस कितना होगा बताओ? सर आई की वैल्यू 36 आ रही है। हाँ बता रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 40 आई हो जाएगा। और ये कितना है? दिस इज माइनस 5। तो माइनस 5 और माइनस 5 क्या होगा? कैंसिल। तो 4 आई वन एंड प्लस 40 आई इज इक्वल टू कितना होगा? 1। इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आया? तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो पहला लूप लेकर के मैंने पहला इक्वेशन बनाया। अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? दूसरा लूप लेंगे। तो मान लेते हैं सपोज हम ये वाला लूप ले रहे हैं बी टी सी बी। मान लो हम लूप क्या ले रहे हैं? बी टी सी बी। तो मैंने तुमसे क्या बोला था कि जो भी आप लूप लोगे उस लूप का डायरेक्शन जो है डायरेक्शन लिखना जरूरी है। आप जो भी लूप ले रहे हो जो भी एज्यूम कर रहे हो जिस लूप को एज्यूम कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे जरूर लिख देना। लूप मैंने क्या लिया है? बी डी सी बी। लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं कि आप हम जैसा लगे आप वैसा ही लोगे। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो। तुम चाहो तो बी सी डी भी ले सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि तुम वैसा ऐसे ही लो। तुम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना? तो मैंने लूप क्या लिया है? बी डी सी बी लिया है। और तुम चाहो तो बी डी सी बी की जगह बी सी डी भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो जरा बताओ लूप का डायरेक्शन क्या है? बी टू डी। बताओ लूप का डायरेक्शन है बी टू डी। और करंट का भी डायरेक्शन क्या है? बी टू डी। सेम है। तो इसका मतलब तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? माइनस। माइनस का होगा। तो बताओ माइनस में कितना आएगा? माइनस 20 आई वन। माइनस 20 आई वन। बी से डी आप बताओ किधर जा रहा है? डी टू सी। लूप का डायरेक्शन क्या है? बी टू सी। लूप का डायरेक्शन है बी टू सी। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। सी टू डी। करंट का अपोजिट है। तो यहां वोल्टेज क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? प्लस। प्लस होगा। करंट प्लस 16। अब करंट क्या लेंगे? आई माइनस आई वन। इस वाले ब्रांच में करंट कितना है? आई माइनस आई वन। ठीक है ना? तो बताओ बी से सी हो गया, अब किधर जा रहा है? सी टू डी। तो बताओ जब तुम सी से बी जा रहे हो तो बताओ किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो? जब तुम सी से बी जा रहे हो तो किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो? पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो ना भाई। ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है ना। तो यहाँ ये में क्या होगा? प्लस 4 टू माइनस 4। प्लस 4। प्लस 4। अब बताओ ये बी में वापस आ गया। यस। तो बी में वापस आ गया तो इसमें वोल्टेज और ईएमएफ का सम कितना होगा? जीरो हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करो तो बताओ ये हो गया माइनस 20 आई वन और ये क्या है? प्लस 60 आई एंड माइनस 60 आई वन और ये प्लस 4 कितना हो गया? जीरो। तो बताओ माइनस 20 आई वन माइनस 60 आई वन कितना हो जाएगा? माइनस 80 आई वन। यस। एंड प्लस 60 आई और बताओ ये कितना हो गया? माइनस 4।
अब अगर 4 माइनस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों? तो क्या कॉमन लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अगर कितना हो जाएगा? समझ नहीं आई बात? यहाँ पे 4 कॉमन होगा तो ये क्या हो रहा है? माइनस 15 आई। अब बताओ ये इक्वल टू कितना है? माइनस 4 तो माइनस 4 माइनस 4 क्या होगा? कैंसिल। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 20i1 माइनस 15 इंटू आई कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 1 ना? यस सर। ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2 आ गया। समझ में आया? तो बताओ अब तुम्हारे पास इतने इक्वेशन है, देयर आर 2 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई और आई वन आ जाएगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है 9th में तुम लोगों ने सीखा होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इक्वेशन को बैलेंस कर दो, अब बैलेंस करके दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे बताओ यहाँ तुम्हारे पास क्या है? 4i1 और यहाँ कितना है? 20i1। तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा? ये भी तो 20i1 हो जाएगा ना? Yes. तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 1 2 से क्या करो? माइनस कर दो। तो लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 5 एंड सब्सट्रैक्ट and subtract with equation 2, subtract with equation 2, ठीक है ना? तो जरा बताओ इसको 5 से multiply कर दो, बताओ 5 से multiply करेंगे कितना आएगा? 5 into 4i1 plus 40i, और फिर इसको equation 2 से क्या करेंगे? Minus कर देंगे, तो minus ये कितना है? 20i1 माइनस 15i, और बताओ यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से ना? Yes. तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 5 इनटू 1 और माइनस माइनस ये कितना है? 1। तो जरा बताओ अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 20i1, तो ये 20i1 और माइनस 20i1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। Yes. और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 200i, और इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 15i और बताओ यहाँ क्या बचा? 4, ठीक है ना? अब बताओ ये कितना आ जाएगा? 215i, तो दिस इज 215i और ये कितना आ गया? 4, बताओ i कितना आ गया? व्हाट इज i? 4 अपॉन 215 एम्पियर, i निकल गया। तो जरा बताओ i निकल गया तो i की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो, i 1 निकल गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1, putting the value of i, putting the value of i in equation number 1, okay? तो बताओ i की वैल्यू तो यहाँ रखोगे तो therefore 4i1 plus 40, बताओ i के जगह क्या रखेंगे? What is i? 4 upon 215 ना? Yes. और इसके इक्वल है, यहाँ के इक्वल है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। बताओ इसको सॉल्व करो, 4i1 बताओ ये कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा ना? 5 इंटू कितना होता है? 40, और इसको 5 से कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 5 4 का 20, हां 20 3 43 हो जाएगा। 4i1 और बताओ ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 32 अपॉन 43, इज इट क्लियर? यही आएगा, यू सी सही है। बताओ 4i1 इज इक्वल टू 43 में से 32 को माइनस से करके कितना आएगा? आई थिंक 11 बाई 43 ना? तो i1 कितना आ जाएगा? व्हाट इज i1? 11 अपॉन 43 इनटू 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? कैंसिल होगा, नहीं होगा? 4 3 जा 12 और कितना हो जाएगा? 172 ना? तो i1 कितना आ गया? दिस इज 11 अपॉन 172 एम्पीयर, मतलब ये i1 आ गया, दिस इज i1 और ये क्या था? दिस इज i1, ठीक है ना? तो अब बताओ i निकल गया, i1 निकल गया, तो इस वाले ब्रांच में करंट कितना है? 4 अपॉन 215, इस वाले ब्रांच में करंट कितना है? 11 अपॉन 172। yes. और मान लो अगर इस वाले ब्रांच में निकालना है करंट अक्रॉस 60 ओम, करंट अक्रॉस 60 ओम, जरा ये बताओ 60 ओम के अक्रॉस करंट कितना है? i माइनस i1 ना? बताओ i कितना? व्हाट इज i?
4 upon 115 माइनस 11 upon 172 इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा, हाउ मच करंट सर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव एम्पियर। Is it clear? This is the final answer. तो देखो सारे ब्रांच में तुमको करंट मिल गया, तो इस तरह से सारे ब्रांच में करंट निकल गया।